स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूँ आबिद हुसैन शेख। ज्ञान एकेडमिक इंग्लिश मीडियम प्री प्राइमरी, प्राइमरी एंड हाई स्कूल बीजापुर एनुअल डे का आयोजन। बच्चों ने पेश किए रंगारंग कार्यक्रम। बीजापुर शहर के अलामीन मेडिकल कॉलेज के पीछे रहे ज्ञान एकेडमी में आज एनुअल डे का आयोजन किया गया, जहां पर बच्चों ने अपने हुनर पेश किए। इस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट थे फिरोज रोजिंदार, बंदा नवाज सांगलीकर, ज्ञान एकेडमी के फाउंडर परवीन जत के अलावा मैनेजमेंट में शब्बीर अहमद मनियार के अलावा बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स रहे मौजूद, जहां पर बच्चों ने अपने हुनर का कमाल दिखाकर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। तेरी गलती रहेंगी, वो कभी टीचर की ऐसा नहीं बोलते थे, वो जमाना गया। लेकिन आज क्या है, सरकार भी बोलते हैं कि बच्चों को आप मार नहीं सकते, मारने की कोई जरूरत नहीं है, आप वही काम प्यार मोहब्बत से समझा के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। लेकिन एक बात ये भी समझ लीजिए, कोई टीचर बच्चे का दुश्मन नहीं होता। कोई टीचर, एक रेयर केसेस होता होगा जो पागल जैसा टीचर जो सब बच्चों को पीटता है। आप देखेंगे कोई टीचर हर बच्चों को नहीं मारता, जो बहुत ज़्यादा मतलब शरारती करते हैं। और मारने का मकसद बच्चे को पीटना या दुश्मनी के लिए नहीं होता, और मारते भी ऐसा भी नहीं कि उनको मतलब पूरा मतलब तकलीफ हो, वो बस हल्का सा ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि बच्चा तुम गलत कर रहे हो, ये सही करना है। दिस मॉर्निंग इज वन ऑफ द वेरी स्पेशल मॉर्निंग इन द कैलेंडर ऑफ द स्कूल। इट्स 8th एनुअल डे ऑफ आवर स्कूल। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑलमोस्ट कंप्लीट दिस एकेडमी एंड द स्कूल हैज फॉरवर्डेड an appreciating step towards empowering knowledge and modern education and Islamic. So I would like to tell you the motive of giving such education is to impact knowledge useful for both the worlds, that is dunya and akhirah. So misal ke taur par ek parinde ke पाँव अगर दोनों मजबूत हो तो उस परिंदे को हम ऊंची उड़ान उड़ा सकते हैं। इसी तरह हम अपने बच्चे के इल्म की तरबियत दुनिया और आखिरत दे सकें तो वो बच्चा कामयाब भी हो सकता है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। आज जो ज्ञान एकेडमी स्कूल बीजापुर आलमीन रोड पे है, यहाँ का जो एनुअल डे फंक्शन हुआ आज, और जिसमें मुझे चीफ गेस्ट करके बुलाया गया, बहुत खुशी की बात है। बहुत मुझे आज खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इस प्रोग्राम में शामिल हुए, क्योंकि ये एक मेरे ख्याल से बीजापुर के एक अकलौती ऐसी स्कूल है जहाँ नॉर्मल बच्चों के साथ डफ एंड डम बच्चे पढ़ते हैं। बहुत कम स्कूल हैं या तो ना के बराबर हैं जिस स्कूल में इनको एडमिशन देते हैं ऐसे नॉर्मल बच्चों के साथ डफ एंड डम का। लेकिन ये एक स्कूल है जिसमें कम से कम 30-35 बच्चे जो पढ़ रहे हैं नॉर्मल स्कूल के साथ, इसकी पूरा मुझे लगता है कि ये जो क्रेडिट जाता है या परवीन जत मैडम और मकसूद जत सर जो इसके स्कूल के फाउंडर है उनकी और पूरे मैनेजमेंट की, इनकी मेहनत से काम कर रहा है। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं इस प्रोग्राम में शामिल हुआ, और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे और भी स्कूलें बीजापुर में बने जिसमें नॉर्मल बच्चों के साथ ऐसे जो डफ एंड डम बच्चे होते हैं उनको पढ़ने का मौका मिले, क्योंकि सरकार ये ऑर्डर बोलती है, सरकार का ऑर्डर है। मेरा नाम फिरोज रोजिंदर है और मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, प्रेस रिपोर्टर हूँ। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बीजापुर से हैदराबाद यसाई ट्रैवल्स की शुरुआत। आरामदायक सफर का साथी। रोजाना रात 9:30 पर होटल ललित महल कॉम्प्लेक्स नियर बस स्टैंड बीजापुर से होगी रवाना। सिंदगी गुलबर्गा के मार्ग से हैदराबाद पहुंचेगी ये ट्रैवल्स। डेली लगेज और पार्सल की भी सेवा होगी। टिकट और ऑनलाइन बुकिंग के लिए इन नंबर पर संपर्क करें।